सबसे पहले आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो मेरा नाम है रितु ठाकुर और स्वागत है आपका मेरे JR ठाकुर ब्लॉग्स में, और नए दिन और नई शुरुआत के साथ। तो दोस्तों, आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 11:30 बजे से। जी हाँ दोस्तों, 11:30 बज चुके हैं और आप सोच रहे होंगे कि इसलिए छत्ता क्यों उड़ा है। तो दोस्तों, आज फिर से बारिश हो रही है, बारिश आज फिर से भयंकर वाली हो रही है। और मैं एक बात बता दूँ आपको कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो जी हाँ, मैं कहीं जा रही हूँ, आप घूमने भी समझ सकते हो और माता के दर्शन भी समझ सकते हो। तो जी हाँ, मैं जा रही हूँ माता के दर्शन करने के लिए। तो मैं अपने घर से लगभग 30 या 35 किलोमीटर आगे जा रही हूँ। तो अभी तो मैं ना साइकिल तक आ गई हूँ, तो मैं 11 बजे की गाड़ी में आई हूँ साइकिल तक। तो अभी तो डैडी वगैरह आ रहे हैं, बस वगैरह, और वो सब भी जा रहे हैं। तो वो जा रहे थे, मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ, और अर्जुन भी जा रहा है, तो मैंने सोचा मैं भी जाती हूँ। बारिश भले ही हो तो घर में भी क्या करना बारिश में ना बैठ बैठ के, रोज़ तो घर में ही होते हैं। तो चलो, और वैसे वो भी होता है ना कि अगर माता रानी बुलावा दे तो जाना पड़ता है। तो कई बार ऐसा होता है ना कि आप चाह कर भी ना जा पाते हैं, नहीं जा पाते हैं। और कई बार ऐसा होता है ना कि आपने सोचा भी नहीं होता है और माता रानी बुलावा देती है तो आपको जाना ही पड़ता है। जी हाँ, तो मैं पहुँच गई हूँ अभी साइकिलों में, और यहाँ से ना मुझे मेरा स्कूल दिखाई दे रहा है, मैं बताती हूँ आपको। तो दोस्तों, ये है मेरा साइकिल स्कूल। स्कूल में ना मैंने छठी से 12वीं तक पढ़ाई की है स्कूल में। और ऐसा मन कर रहा है ना कि मैं अभी स्कूल के अंदर चली जाऊँ 2 मिनट के लिए, और अपने जिन जिन कमरों में पढ़ी हूँ ना, जिन जिन कमरों में मेरी क्लास लगती थी, उन उन कमरों में घूम के आऊँ। ऐसा लग रहा है मेरे को, कितना सुंदर लग रहा है मेरा स्कूल। तो अभी ना डैडी वगैरह आ ही नहीं रहे, इतनी देर लगा ली उन्होंने, और 12 तो बज चुके हैं, फिर कब जाएंगे हम। और मैंने सोचा जब तक डैडी वगैरह आएंगे ना, तो तब तक मैं पैदल पैदल ही चलती हूँ। और लगभग मैं साइकिल से 1 किलोमीटर आगे आ चुकी हूँ, और अभी मुझे वो दिखाई नहीं दे रहे हैं कहीं पर। चलो चलती हूँ रास्ते को एंजॉय करते हुए। तो दोस्तों, आप भी करो शनिवार के दिन बजरंगबली जी के दर्शन, जय बजरंगबली। और मेरे आगे ना बहुत सारे लड़के जा रहे हैं, ये पता नहीं कहाँ से आए इतने सारे, बहुत सारे हैं। और ये रहा नेल्सन से दिखने वाला साइकिलों का नज़ारा, और वहाँ पर ना चिलोह और देवनाल भी दिखाई देता है, लेकिन ना पर्स की वजह से धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों, हमें ना उस लास्ट वाली चोटी में जाना है, ऊपर जाके उधर जाना है ऊपर, हमें लास्ट वाली चोटी में, उंगलियों से दिखाते नहीं है लेकिन ऐसे आपको पता नहीं चलता ना, तो उधर जाना है हमें। और यहाँ तक ना लगभग 10-12 किलोमीटर हो गए जाने के लिए, और फिर कम से कम 3 या 4 किलोमीटर होगा ऊपर को हाइट चढ़ने, तो फिर तब जाके हम मंदिर में पहुंचेंगे। देखो आप सब इन लड़कों को देखो कैसे मस्ती करते हुए जा रहे हैं। तो चलो, आपको भी मैं सावन के महीने में घुमाती हूँ। अभी सावन तो लगा नहीं है ना, लेकिन जुलाई स्टार्ट हो गई है, तो बरसात के मौसम में आपको मैं मंदिर घुमा आती हूँ। तो आपका तो ठीक है ना कि आपके घर बैठे बैठे दर्शन हो जाएंगे माता की। तो दोस्तों, मैं अभी जा रही थी ना सड़क से, तो मुझे इस वाले घर में ना छोटा सा कुत्तू दिखाई दे रहा है, देखो कितना सा है। इसका ना भौंकने की आवाज भी साफ सुनाई नहीं दे रही है, छोटा सा कुत्तू है, कितना प्यारा है, क्यूट सा। ऐसा मन कर रहा है कि इसको मैं उठा के ले आऊं। क्या हो गया तेरे को भाई, कुछ बोल रहा है, गुस्सा कर रहा है मेरे ऊपर, मैं नहीं आना नीचे, तो बैठ जा। तो मैं ना चली जाती हूँ यहाँ से, नहीं तो इसका गला बैठ जाएगा। तो दोस्तों ना, मैं अब दूसरी बार जा रही हूँ इस रास्ते से, मैं कब से उनका वेट कर रही हूँ, वो आ ही नहीं रहे कब से, पता नहीं क्या कर रहे हैं घर में। तो मुझे इतना गुस्सा कभी नहीं आया जितना आ जा रहा है, ऐसा मन कर रहा है ना कि मैं क्या कर दूँ,
दो बज चुके हैं, तो फिर कब ऊपर पहुंचेंगे और कब वापस आएंगे और कब हम घर जाएंगे। तो मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, उनका वेट करते करते ना थक गई मैं। देखो मेरी शक्ल भी कैसी हो गई है, चेहरा भी एकदम डल हो गया है। तो मैं तो ना अब सीधा घर जा रही थी, मैं यहाँ से ना वापस साइकिल चली गई थी 3-4 किलोमीटर। लेकिन डैडी ने फ़ोन किया कि चल पड़ तेरे को घर छोड़ आएंगे, तब जाके फिर से जाना पड़ रहा है अब। तो उनको ना वहाँ से आना है, वहाँ पर देर लाग और मुझे दिखाई नहीं दे रही है उनकी कार कहीं पर, उनकी गाड़ी दिखाई नहीं दे रही आते हुए। और मुझे ना ऊपर नीचे से सब लोग देखते हैं, इन घरों से ना सबके सब लोग मेरी तरफ ही कि ये बार बार आ जा रही है सड़क में, क्या करिए। तो मैं कब से ना इन सड़कों में टहल रही हूँ, ऐसे तो मैं पैदल भी पहुँच जाती इतनी देर ऊपर तक पहुँच करके भी आ जाती वापस घर। तो अब जाके आए हैं ये सब, वो रही इनकी गाड़ी। इतना गुस्सा आ रहा है ना मेरे को इनके ऊपर कि आप पूछो मत, सोच नहीं सकते आप सर। वो रहे कम से कम 2 घंटा वेट करवाने के बाद आए हैं। तो मैं आपको यहाँ का नज़ारा दिखा देती हूँ, चेक करो दोस्तों। और ना वहाँ पर मेरा माइक ये रहे सारे के सारे। ऐसा मन कर रहा है ना कि क्या करूं मैं इनको, ये रहे आ रहे हैं भाई, पहुंच चुके हैं, चलती हूँ उनके साथ। चलो हम अभी पहुंचने ही वाले हैं मंदिर के गेट के पास। और ये रहा यहाँ के जंगल का एरिया। तो हम सब मंदिर के गेट के पास पहुंच चुके हैं और ये रहा माता का मंदिर। और यहाँ पर बाकी श्रद्धालु उनकी गाड़ियाँ भी हैं, शायद ऊपर दर्शन करके आने वाले होंगे और हम लेट पहुंचे हैं। और ये है सारे भक्तजन। जय जुम्बा माता। तो हम सब कर रहे हैं अब यहाँ से प्रवेश माता के मंदिर गेट से। तो वो रहा ऊपर माता का मंदिर, सबसे ऊपर चोटी में ऐसे दिखाई दे रहा है। जय माता। हमें जल्दी से पहुँचाना ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर ना जंगल में भैंसे चराई जा रही है और इनके गवाले ये बैठे हैं यहाँ पर रेस्ट हाउस में बैठे हैं सबके। तो हम ना यहाँ के प्लेन ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और वो रहा ऊपर माता का मंदिर। और इनको क्या मस्ती पड़ी है, देखो इनके डंग। और वर्सू लाइव वीडियो बना रही है और डैडी थक चुके हैं और भक्तों ने थैलियों को संभाला है और भाभी इनको डांटते हुए। तो हमने ना यहाँ पर पहला रेस्ट किया है। तो दोस्तों हम सब ने पहला स्टे किया है यहाँ पर और ये सबके सब थक चुके हैं और चलते हैं वापस ऊपर। मैं यहाँ आधे रास्ते में बकरी मिल चुकी है लेकिन उनके गवाले नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह के पत्थर है, प्लेन और बहुत सारे श्रद्धालु जो है वापस आ रहे हैं ऊपर से, ये दर्शन करके आ भी चुके हैं। ये छोटा भक्त है, कोई याद हुआ तो सोचिए थोड़ा जी।
अर्जुन क्या हाल है तेरी, थकी आएगी? तो डैडी अभी ना दिखाई नहीं दे रहे, और अभी हम अपने साथियों का इंतजार कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। तो डैडी और बासु जो हैं पीछे रह गए हैं। और दोस्तों, जब जंगल के एरिया में ऐसे हमारे साथी गायब हो जाते हैं ना, तो पुराने बुजुर्गों की कहावत है कि ऐसे चीख के बुलाते हैं उनको, जैसे ऐसे। तो उधर वाली पहाड़ी से सिग्नल आएगा तो वो बताएंगे, वो भी ऐसे करेंगे, फिर जाके हमको पता लगेगा कि वो हमें सुन रहे हैं। तो ऐसा होता है पुराने बुजुर्गों की कहावत, अगर जंगल में कोई खो जाए तो उसको ऐसे ढूंढना चाहिए। तो पता कैसे चीखते हैं जंगल में, ऐसे ऐसे चीखते हैं। वहाँ ऊपर से ना सिग्नल आ रहा है, अर्जुन सुनाई दे रहा है, अर्जुन का वो कह रहा है। तो यहाँ पर हमें जंगल की पहली गुफा मिल चुकी है, यहाँ पर टाइगर वगैरह बैठते होंगे, और हम इतनी चढ़ाई में चढ़ रहे हैं कि हमें सांस ही नहीं आ रहा है। और सबसे पीछे वर्षु, यहाँ से नैन तुंगा माता का मंदिर दिखाई दे रहा है। वो उस चोटी में, उधर मत जा वर्षु, मत जा। तो दोस्तों, यहाँ पर मंदिर से थोड़ा पीछे ऐसे बनाए हुए हैं, उनको कहते हैं जिन जिन्होंने भी मांगी होती है ना, तो वो यहाँ पर ऐसे पत्थर रखे जाते हैं। ये रहे, और डैडी वर्षु अर्जुन और बस वगैरह बना रहे हैं। तो अर्जुन ने भी अपने विष यहाँ पर लगा लिए, विष मांगे थे वो। और यहाँ पर बस बना रहे हैं, और डैडी और वर्षु ऊपर बना रही है। तो माता रानी सबकी इच्छा पूरी करना। तो दोस्तों, फाइनल हम यहाँ पर पहुँच ही चुके हैं, और यहाँ पर इतनी हाइट है ना, और ये रहा वर्षु, और बाकी आगे जा चुके हैं। तो ये रहा माता का मंदिर, जय माता रानी, जय। तो सबसे पहले अर्जुन जा रहे हैं मंदिर, और हम सब यहाँ पर चप्पल वगैरह खोलेंगे। जय माता, जय जोगा माता। और है, और यहाँ पर वगैरह भी है। ये यहाँ का सुंदर सा दृश्य, और ऊपर अर्जुन। जय माता, जय जय हनुमान भगवान, जय हनुमान भगवान, जय गणपति भगवान, जय जय शिवजी, जय जय गणपति भगवान, जय जय। तो दोस्तों, आप सभी भी आना है अपने, जा रहा है यहाँ पर। जय माता, पर भी डेडी शिवजी भगवान भी हो था। जय शिवजी भगवान, रिवाल सर की नैना माता का मंदिर, और कुछ इस तरह की चूड़ियाँ लगाई है। इतना सुंदर नज़ारा है यहाँ का। तो दोस्तों, यहाँ से चारों साइड दिखाई देता है,
आप काम भी देखना चाहो चाहे हो। मेरा सर की साइड कुल्लू मनाली की हूँ, हिमालयाज हूँ और यहाँ पर पूजा हो रही है। जय हो, सब ने पूजा कर ली है और आप सबको करवाती हूँ मैं माता के दर्शन। जय अच्छा जी, जय माता, दोस्तों ऐसा लग रहा है जैसे माता साक्षात बैठी है। जय, यहाँ पर हवन वगैरह का काम चला हुआ है और यहाँ से ना हमारी बड़ा माता का मंदिर दिखाई देता है। और दोस्तों यहाँ पर ना हवा बहुत ही जोरों की चली हुई है और चूड़ियाँ आप देख सकते हैं मंदिर के चारों साइड चूड़ियाँ ही चूड़ियाँ लगाई है, सुंदर सजी है ना। तो ऐसी मान्यता है कि जो जो औरतें सुहागन औरतें यहाँ पर अपनी चूड़ियाँ चढ़ाती है ना, मतलब माता के मंदिर में, तो ऐसी मान्यता है कि माता उनके सुहाग की रक्षा करती है। तो मंदिर के चारों साइड ऐसी चूड़ियाँ लगाई है और मंदिर के अंदर भी, दोस्तों मंदिर के अंदर भी ऐसी चूड़ियाँ लगाई है। ये रहे देखो, चारों साइड चूड़ियाँ लगाई है जो कि मंदिर की शोभा चार गुना कर देती है। जय माता। तो ये रखिए यहाँ पर जोगणियाँ, जो रोग वगैरह होते हैं उनको दूर करती हैं, ग्रह वगैरह, तो यहाँ पर चढ़ाए जाते हैं रोट और भल्ले। तो ऐसा मान्यता है कि माता फिर वो सारे रोग दोष संकट सब दूर कर देती है और इस पत्थर में तो सारे जो भल्ले या बाबरू, भल्ले बाबरू तो 64 या 65 शायद 65 भल्ले और बाबरू तो रहते हैं। तो बीटीओ लगी बनी थी कुछ वर्क खरी में चले। तो यहाँ पर आग जलाई है ना, यहाँ पर थोड़ी देर आग सेक में बैठे हैं। तो गाइस हमें यहाँ पर क्या मिला है देखो, बिना पैसे का छत्ता मिला है हमें, देखो कितना बड़ा, और जैसे हमने छत्ते ओढ़े ना वैसा ये भी है। ये रहा अर्जुन के सिर के ऊपर आ गया है पूरा का पूरा और कितना प्यारा लग रहा है देखो। तो यहाँ पर हमें मिल चुका है जंगली छाता, तोड़ना मत। और दोस्तों सच्ची बताऊं ये कम से कम आधा पौने किलो का है, पौना किलो का तो है ही है जी।
दोस्तों हम लगभग पहुंचने वाले हैं। और आप देखो इतने जंगल के बीच में यहाँ पर एक गांव है पूरा, तो कुछ ही घर हैं यहाँ पर और ऊपर नीचे सारा ही जंगल का एरिया ही है इधर उधर सारा। और बस और बस आ रहे हैं पीछे से, और ना बासू पूरी तरह से भीग चुका है और वर्षू भी, लेकिन वर्षू ने अब छाता ओढ़ लिया है और बासू तो पूरा भीग चुका है। मेरे तो कपड़े भी गंदे हो गए हैं। और ये अर्जुन। तो दोस्तों हम सब जो है सड़क में वापस से पहुंचने वाले हैं, तो हम माता के दर्शन करके आ चुके हैं और आज पूरा दिन बारिश हुई है। और ये रहा यहाँ का सुनसान जंगल। जब हम मंदिर जा रहे थे ना तो यहाँ पर भैंसे चर रही थी और विवाह सुवर्ष पीछे हैं। और मुझे और अर्जुन को ना जंगल से कितना बड़ा छाता मिला है, तो ये सब्जी भी होती है पहाड़ी सब्जी। तो ना जंगल में घूमने के आजकल बरसात में ना यही फायदे होते हैं, एक तो सब्जी मिल जाती है और दूसरा इतनी इंटरेस्टिंग चीजें दिखाई देती है दोस्तों। इतना बड़ा है, 2-3 किलो का होगा, देखने को मिल जाती है ऐसे। तो ये हमारे पहाड़ों में ही होता है और कहीं नहीं मिलती ऐसी चीजें, तो ये हमारे पहाड़ों का जो है आनंद भी है और पहाड़ों के मजे लेने के फायदे भी है, है ना अर्जुन। तो देखते हैं अब इसको हम कहाँ तक लेके जाएंगे, वैसे मन तो पूरा घर तक लेके जाने का है। और साथ ही साथ मैं अगर आपको बता दूं तो 6 बज चुके हैं और हमें लगता है कि अब हमारी गाड़ी छूट जाएगी हमसे, क्योंकि हम बहुत ही दूर हैं। और देखते हैं घर को फोन करेंगे, अगर अर्जुन की अम्मा दादी बोलेगी गाय करने को, गाय की करने को, गाय का दूध निकालने को, तो फिर ठीक है, वरना अगर मना करेंगे तो फिर कैसे तैसे जाना ही पड़ेगा बारिश में, है ना। तो ये रहे हमारी गाड़ी आ चुकी है, अब चलते हैं, चलो। जय माता रानी। दोस्तों हम कोटली में पहुंच चुके हैं, हम घर जा रहे हैं। काला भिंजा सर पता नहीं क्या है, जैसे डर लगने की कितनी अच्छी है। तो हम सब घर में पहुंच चुके हैं और हमने कपड़े वगैरह चेंज कर लिए हैं और बारिश ना लगातार हो रही है और हम दिन को इतना भीगे हैं ना कि आप पूछो मत। तो बारिश अभी भी जारी है और शायद 3-4 दिन और होगी ऐसा मौसम विभाग कह रहा है। तो हमने खाने में ना ज़्यादा कुछ नहीं बनाया है, तो दोस्तों हमने कुछ नहीं बनाया है खाने में। बताओ अर्जुन क्या बनाया है खाने में? मैगी। यस जी हाँ, तो हमने बनाई है खाने में मैगी और 2-3 चपाती सुबह की बची थी। तो बस हम गांव के लोग ना ऐसे ही होते हैं, बस इसी से हमारा गुजारा हो जाता है। तो हम ना पूरा दिन भर भीग गए हैं, तो अब सो जाएंगे जल्दी से। तो चलो करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड और मिलते हैं आपसे जल्दी आगे वाले ब्लॉग में। तब तक आप मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं जल्दी आगे वाले ब्लॉग में, तब तक बाय।